दोस्तों आप भी कुछ इसी प्रकार से हैप्पी वैलेंटाइन डे के इमेज बनाना चाहते हो, बिंग इमेज बनाना चाहते हो तो किस प्रकार से बना सकते हो? तो दोस्तों यहाँ से आपको लड़की के अंदर यहाँ से आपका नाम देखने को मिल जाएगा और लड़की का आपका भी नाम देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। अगर दोस्तों आपको भी कुछ इसी प्रकार से नाम को बनाना है, जो फोटो को बनाना है, तो किस प्रकार बना सकते हो इस पर के, अगर दोस्तों इस प्रकार की रील्स आप इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो तो काफी ज्यादा अभी वायरल आ रहा है जो, ठीक है, तो आप कैसे इसको अंदर बना सकते हो? चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेना और यहाँ से आपको एक न्यू पेज को यहाँ से ले लेना, ठीक है। न्यू पेज लेने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको सर्च और टाइप टू यूआरएल पे क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बार में आपको सर्च करना है बींग इमेज क्रिएटर, इतना आपको सर्च कर लेना। इतना दोस्तों जैसे सर्च करते हो कुछ इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब दोस्तों आपको यहाँ से क्या करना है, इमेज क्रिएट फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर क्लिक कर लेना, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करते हैं क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको इसके अंदर अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। अकाउंट कैसे बनाना मैं आपको बता दूं, ऊपर से थ्री लाइन देखने को मिल जाएगी, सिंपल सा थ्री लाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और दोस्तों यहाँ से आपको आपको अकाउंट बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपल सा यहाँ से आपको अकाउंट को बना लेना है, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले क्या लिखना है, क्या लिखना है मैं आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों वो आपको कहाँ पर मिलेगा, जो मैं आपको टेक्स्ट इमेज में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से कॉपी कर लेना, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉपी करना नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो का लिंक आपको जाकर लिंक को कॉपी करके क्रोम के अंदर ओपन करना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है तो आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो कॉपी हो जाएगा, उसके अंदर लिखा हुआ वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ऐसे जो कॉपी किया उसको यहाँ से पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से पूरा पूरा इसके अंदर एकदम सही समय में लिखा हुआ, अगर आप अपने हिसाब से लिखना चाहे तो लिख सकते हो। तो फिर दोस्तों आपको ऐसे क्रिएट का एक ऑप्शन है, सिंपल सा क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से दोस्तों आपको कुछ सेकंड तक वेट करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से क्रिएटिंग हो रही है, जैसा कि भी आपके सामने देख सकते हो। कुछ देर के अंदर आपका जो फोटो है वो यहाँ से बनकर तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसके अंदर इंतजार करते हैं, 30 सेकंड तक यहाँ से एक मिनट लगेगा, ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। एक साथ आपको दोस्तों 4 फोटो देखने को मिल जाएगी, जैसा कि दोस्तों आपके सामने देख सकते कुछ इस प्रकार से मेरी 3-4 फोटो यहाँ से बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है। और दोस्तों इसका अगर नाम में कुछ मिस्टेक हो, जैसा कि अभी कोई दूसरा नाम आ चुका है, तो आप इस नाम को भी हटा भी सकते हो, आप फिर से क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपको इसके अंदर हटा भी सकते हो, ठीक है, दूसरी बार क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको इसको डाउनलोड कैसे कर पाएंगे, दोस्तों हमारा जो पोस्टर है वहाँ से बन चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से आपको थ्री लाइन के मतलब थ्री डॉट का ऑप्शन है, सिंपल सा इस पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद डाउनलोड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपल सा डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद दोस्तों ऐसे डाउनलोड कर लेना। आपका दोस्तों एंड्रॉइड होगा तो उसके अंदर कुछ अलग फीचर होगा, ठीक है। तो सिंपल सा मैं अपने व्हाट्सएप पर सीधा शेयर कर दूंगा, तो जो मेरा लास्ट है यहाँ से शेयर हो चुका है, जैसे कि अभी आपके सामने देख सकते हैं मेरा जो फोटो है व्हाट्सएप के ऊपर चला गया है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने अपना जो 3 फोटो बना लिया, अगर आप दोस्तों इस प्रकार से अपना फोटो को बना सकते हो। अब दोस्तों आप रील्स वीडियो कैसे बना सकते हो, दोस्तों रील्स वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर जाना या गूगल में जाना, ठीक है। उसके अंदर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से कैपकट एप्लीकेशन को यहाँ से सर्च कर लेना, ठीक है। कैपकट एप्लीकेशन को यहाँ से सर्च कर लेना, तो यहाँ से आप भी देख सकते हो प्ले स्टोर पर आपको कैपकट एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर मिल भी जाएगी और नहीं भी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों अभी जो कैपकट एप्लीकेशन है वो इंडिया के अंदर जो लॉन्च नहीं हुआ है, काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कैपकट को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, मैं आपको कैपकट का लोगो दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से कैपकट का देख सकते हो लोगो इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो आपके सामने इस प्रकार से कैपकट का लोगो है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक वीपीएन के यहाँ से एक प्ले स्टोर पर जाकर कोई भी एक वीपीएन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने सुपर वीपीएन यहाँ से डाउनलोड किया हुआ, ठीक है। तो सिंपल सा मैं सबसे पहले इस वीपीएन को यहाँ से मैं ओपन करूंगा, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल सा सबसे पहले इस वीपीएन को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड एट सबसे नीचे पर क्लिक करना है और दोस्तों ये जो वीपीएन है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वीपीएन को यहाँ से कनेक्ट होने देते हैं, तो अभी यहाँ से अभी हो जाएगा कनेक्ट, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। तो दोस्तों ये ना जो वीपीएन है वो कनेक्ट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले जाना है अपने जो क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन, ठीक है, फिर यहाँ पे ले लेना है और यहाँ से आपको लिखना है
कैपकट टेम्पलेट, ठीक है। कैपकट टेम्पलेट पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको सबसे ऊपर जो टेम्पलेट आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले टेम्पलेट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से इस वाले टेम्पलेट पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों आपको यहाँ से आपको क्या करना है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ पर जो कैमट हेलिंग थाईलैंड कैपकट टैबलेट लिंक सिंपल सा इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस पर यहाँ से नो कर लेना, डन कर लेना और इसको ऐड को कट कर लेना, ठीक है। ऐड को कट कर देना है और उसके बाद दोस्तों आपको इस टैबलेट को यूज करने के लिए यूज टैबलेट इन कैपकट सिंपल जब कैपकट के अंदर चले जाना है, ठीक है। कैपकट के अंदर चले जाने के बाद इसको अलाउ कर लेना, ठीक है, कैपकट यूज में। और ऐसे दोस्तों अभी ये वेबसाइट है वो मेरा काम नहीं करेगी क्योंकि दोस्तों मैं अभी आईफोन के अंदर यूज कर रहा हूँ, इसलिए जो मेरी वेबसाइट है वो भी काम नहीं कर रही। टैबलेट के अंदर टैबलेट ही ओपन नहीं होगा। यूज इन टैबलेट कैपकट पर क्लिक करते हैं, देख सकते हो आपके सामने ये मेरा जो वेबसाइट है वो काम नहीं करेगा। दोस्तों अगर आप एंड्रॉइड के अंदर करते हो तो आप इसके वेबसाइट वो काम करेगा 100%, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया कि इस दिन कौन सा आपको जो टैबलेट यूज करना, ठीक है। ये वाला टैबलेट काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग में चल रहा है और इसके अंदर रील्स भी काफी अच्छी बन रही है। मैं दोस्तों इस वाले टैबलेट को यूज करके आप अपने रील्स को बना सकते हो क्योंकि दोस्तों अभी मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ। आईफोन के अंदर जो क्रोम ब्राउजर की जो भी सेटिंग वगैरह होती है उसके कारण मेरा जो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप इस टैबलेट को यूज करके आपको कैपकट एप्लीकेशन में अगर जाना है उसके बाद से आपको फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद से आपका जो वीडियो है वो बन जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल बने तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी।